हज कमेटी ऑफ इंडिया ने नया सर्कुलर जारी करते हुए हज करने वालों को बड़ी राहत दी है। हज फॉर्म दाखिल करने में तौसी की गई है, क्योंकि हज फॉर्म 31 जनवरी तक भरने थे, अब इसमें तौसी किया गया है जो कि 15 फरवरी तक है। इसका मतलब है कि हज करने वाले अब 15 फरवरी तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ताहम कई रियासती हज कमेटी की जानिब से मिले फीडबैक पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ कोविड-19 की वजह से फॉर्म भरने वालों को बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तारीख को तौसी करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि 31 जनवरी तक मुल्की सतह पर उम्मीद से कम फॉर्म जमा हुए थे, इसीलिए अब 15 फरवरी तक उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं ताकि फॉर्म्स में इजाफा हो सके। इसके अलावा ये भी मुतला किया गया है कि हज के सिर्फ वही अहल होंगे जिनके पास मशीन रीडेबल हिंदुस्तानी बैनुल अक्वामी पासपोर्ट होंगे जो 15 फरवरी 2022 या इससे पहले जारी किए गए हो और 2022 तक वैलिड होने चाहिए। वही आजमीन हज जिन्होंने पहले ही अपने फॉर्म भरे हुए हैं लेकिन उन्हें अभी भी कवर नंबर SMS के ज़रिए मौसूल नहीं हुए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो दफ्तरी अवकात के दौरान ज़ाती तौर पर या टेलीफोन नंबर के ज़रिए जम्मू कश्मीर हज कमेटी हज हाउस बिमना श्रीनगर से टेलीफोन के ज़रिए भी राब्ता कर सकते हैं और वो टेलीफोन नंबरात है 0194-249-5365, 0194-249-5367, ताकि इनके कवर नंबर्स आखिरी तारीख यानी 15 फरवरी तक तैयार हो सके। यूं तो लाखों की तादाद में हर साल फॉर्म भरे जाते थे लेकिन कोविड-19 की वबाही सूरत हाल को देखकर पिछले 2 सालों से इसमें भी कमी नज़र आई। इसके साथ जहां हमने देखा कि दिसंबर 2021 में सऊदी अरब की वजारत हज व उमरा ने गैर मुल्की जायरीन को 2 साल के बाद उमरा की इजाज़त दे दी, लेकिन अभी भी हज के हवाले से सऊदी अरब की वजारत से कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग अभी भी शशोपंज में हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से जो हुआ कहीं वो इस साल भी न हो, और लोगों की ये फिक्र अभी भी अपनी जगह बजा है। इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं शेख फैरोज अहमद से, जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर एसोसिएशन हज और उमरा कंपनीज के। सर, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से हज पॉसिबल नहीं हुआ, सर आप इकोनॉमिकली ये सब कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज नहीं कर रहे हैं, बस झेल रहे हैं। ऑब्वियसली सारे सेक्टर भी तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद पड़े हुए थे, तो हमारा भी ऐसा ये हो गया। ये फर्क था कि बाकी सेक्टर आहिस्ता आहिस्ता से खुल गए, लेकिन हमारा अभी तक भी नहीं रेस्टोर हो रहा है। अभी बस पिछले 10-15 दिनों से थोड़ा सा उन्होंने रेस्टोर किया, सऊदी हुकूमत ने अब थोड़ा सा अलाउ किया उमरा पे जाने के लोगों के, लेकिन अभी भी लोगों में थोड़े से अप्रहेंशंस हैं ये कोविड को लेकर। उस तरह से जिस तरह से रिस्पांस होना चाहिए था और विलिंग रिस्पांस अभी तक नहीं है। लोग बेचारे डरे हुए हैं, क्योंकि 2-2.5 साल के बाद जब आप अचानक कोई चीज खोल देते हो तो बहुत सारे अप्रहेंशन। अब लोग जाना शुरू हो गए, देखते हैं। लेकिन मैनेज तो नहीं कर पाए, बहुत परेशानियों से 2-4 हम इस दौरान हो गए हैं। सर, गुज़िश्ता 2 सालों से हमने ये भी देखा कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया फॉरेन को आने के लिए। सर, आपको क्या लगता है, इस साल की जानिब से इजाज़त दी गई थी, इस बार क्या लगता है आपको, पॉसिबल हो सकता है? जी इंशाल्लाह, इस बार पूरी तरह से पॉसिबल है। अभी आप रिसेंटली सुना होगा कश्मीर से भी कभी कोई, इस वक्त 150-200 लोग इंशाल्लाह तकरीबन मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा में है, पहुंच गए हैं। उमरा कम्प्लीटली उन्होंने खोल दिया है और हज के लिए भी उन्होंने तैयारी कर रखी है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन है मुल्कों से, उन्होंने दीगर ममालिकों से जितने भी थ्रू आउट वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज हैं उनको मेरे ख्याल से उन्होंने कन्वे कर दिया है कि इस साल वो हज करेंगे, जैसे हर साल हज होता था उस साल हज करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हज होगा इंशाल्लाह इस साल। सर, जो आजमीन है वो फॉर्म्स भर रहे हैं, इस साल भी भर रहे हैं, पिछले साल भी भरा और पिछले उससे दीगर भी कबल भी भरा, फॉर्म भरे गए थे, लेकिन
हज पॉसिबल नहीं हुआ और लोग अपना जो पैसा है वो स्पेंड कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में आपका क्या कहना है। नहीं, ये गवर्नमेंट का जो देखिए जो मेजर रेशियो जो हाजियों का होता है, कोटा होता है, वो गवर्नमेंट के साथ जैसे सेंट्रल हज कमेटी है उनके साथ लोग जाते हैं, तो और एक थोड़ा सा रेशियो जो है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ जाता है। पहले 1:2 था, अब तो 1:2 नहीं है, अब थोड़ा सा कम हो गया और भी कम हो गया प्राइवेट के जरिए से। और गवर्नमेंट हर साल इसलिए क्योंकि उनको 5-7 महीने पहले प्रोसेस करना पड़ता है, उनको टाइम लगता है फॉर्म जमा करने के लिए, लोगों का पैसा जमा करने के लिए और पासपोर्ट बहुत सारी चीजें, फिर उनका इंतजाम भी बहुत बड़ा होता है क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वो पिछले दो साल में उन्होंने वो प्रोसेस करना चाहा कि एक प्रोसेस करेंगे, और अगर कभी भी सऊदी हुकूमत हमें इजाजत देती है तो चूंकि प्रोसेस किया हुआ था तो फिर उनको लेने में कोई उस वक्त दुश्वारी नहीं होती, तो इसीलिए वो उन्होंने 2 बार ट्राई की, लेकिन फिर जब सऊदी हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस बारे में तो फिर लोगों को पैसा वापस मिला। इस साल भी उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, लेकिन इस साल तो कम्युनिकेशन हुआ और सऊदी हुकूमत ने इस बात का अंदेशा दिखाया, इस बात का इजहार ख्वाहिश इजहार की कि इस साल होगा, जिस तरह से उन्होंने उमरा खोल दिया तो हज भी खुलेगा। प्राइवेट का तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हमें तो लास्ट मोमेंट पे बताते हैं कि आपके लिए खुल गया रास्ता, तो हम लोग फिर लोगों को कन्विंस करते हैं, ले जाते हैं हज पे। सर, अगर सऊदी अरब की हुकूमत ने इजाजत दे दी, कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस रखी थी एज बार पे, सर अभी क्या लग रहा है आपको, अगर पॉसिबल होगा क्या अभी भी रिस्ट्रिक्शंस होगी एज पे? एज पे रिस्ट्रिक्शंस हैं एक्चुअली, अभी तक जो छोटी एज के वैक्सीनेशन नहीं होते थे तो इसलिए वो उसके रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि वो चाहते हैं जो भी इस सफर में आ जाए, चाहे वो हज हो या उमरा हो, वो वैक्सीनेटेड हो, क्योंकि 12 साल की उम्र में अभी हमारे हर जगह के वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इसलिए उस वजह से एज बार है। अगर वो तब तक नहीं हो जाता है, वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं वो बच्चे भी, तो इसलिए उनको फिर भी इजाजत नहीं दी जाएगी जो वैक्सीनेटेड ना हो। सर अगर पॉसिबल हुआ इस साल, अगर इजाजत मिली हुकूमत से, कितने लोग आपके जरिए जा सकते हैं हज के लिए? एक तो डिपेंड करता है सऊदी हुकूमत कितने लोगों को परमिट करेगी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो कोटा देते थे पिछले कई सालों से 1.5 लाख के आसपास, तो अगर कोटा 1.5 लाख के आसपास दिया तो उसमें कोई 40,000 का कोटा जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है, तो इस हिसाब से जो भी रेशियो हमारा हर साल होता था वही रेशियो इस साल भी होगा। अगर उसमें उन्होंने कम किया तो ऑब्वियसली रेशियो कम होगा, तो कम होंगे, हमें लग रहा है अप्रेंटली थोड़ा सा कम रेशियो कम होगा, हाजियों की तादाद पिछले हज के मुकाबले में थोड़ा सा कम होगा। अभी के लिए इतना ही, कैमरा पर्सन आसिफ रथर के साथ मैं सबरीन अशरफ, कश्मीर लाइव के लिए।